अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, मज़े में हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो है बटर चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और बड़ी झटपट से ये बनने वाली बटर चिकन है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें सबसे पहले है ये, एक लार्ज साइज का प्याज लेके उसे रफली चॉप कर लें। उसके बाद ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके तो इन्हें भी रफली चॉप कर लें। ये 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 पैक मिल्क क्रीम का चाहिए, 140 ml, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। उसके बाद ग्रीन चिलीज हैं, ये 4 to 5 हैं। और ये बटर है, बटर ये 4 से 5 टेबल स्पून चाहिए। आप अनसाल्टेड जो बटर होता है वो भी ले सकते हैं, और जो घर में बटर होता है ये घर वाला बटर है, आप ये भी वाइट बटर ये भी ले सकते हैं। उसके बाद ये लेमन जूस है 2 टेबल स्पून, चिकन 1/2 kg है, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें है ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून आप कसूरी मेथी ले लें। उसके बाद ये ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। उसके बाद ये मेरे पास जीरा है, जीरे का पाउडर ये भी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून। ये आपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जितना आपको जरूरत हो, बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम हो तो हम और डाल देंगे। तो अब करना क्या, जितना भी है मेरे हमारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हम अपने चिकन में डाल देंगे और चिकन को मैरिनेट कर देंगे। कम से कम जितना आपका टाइम हो मिनिमम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी थे हमारे पास, मसाले स्पाइसेस, वो मैंने चिकन में डाल दिए हैं, और ये लेमन जूस ये डाल के अब हम बस इसे मैरिनेट करेंगे, और इसे मैरिनेट करके छोड़ देंगे जितना आपके पास टाइम हो, मिनिमम 15 से 20 मिनट। और ये जो चिकन है ये बोनलेस है, ठीक है, और इसके छोटी छोटी सी बोटियाँ बना लें जो आपको ईजी हो। अब इसे मैरिनेट करके छोड़ देंगे कम अज़ कम 15 से 20 मिनट, और ज़्यादा जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा ये जूसी और मज़ेदार बनेगा। बस चिकन हमारा अच्छी तरह से देखें मैरिनेट हो गया है, ठीक है। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली है, और इसके अंदर अब हम डालेंगे ये अपना बटर, साथ ही थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल लें या कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद हो वो डाल लें 3 से 4 टेबल स्पून। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। और साथ इसमें ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था इस ये बना दिया, इसे डाल देंगे। और उसके बस इन्हें हल्का सौते करेंगे, हल्का सा गोल्डन हो जाए हमारे जिंजर गार्लिक, अब हम इसमें फिर चिकन डाल लेंगे। लहसुन और गार्लिक देखें हल्का सा फ्राई हो गया, फिर गोल्डन सा हो गया, अब हम इसमें अपना ये चिकन डाल देंगे। और चिकन को ज़्यादा टर्न वगैरह नहीं करना, पहले ज़रा एक साइड पर पकने दें, उसके बाद हम फिर इसे हिलाएंगे, ठीक है। जब तक ये चिकन होता है अगर हम ये एक जग ले लेंगे, ठीक है, इसमें हम ये अपने प्याज, ये जो टमाटर थे और ये हरी मिर्च, ये डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत हो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से ये देखें फ्राई हो गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं डाले इसमें, उसी जो ऑयल है ये देखें इसमें सेपरेट कर दिया, और ये जो था हमने मिक्सचर से बना लिया उसका बैटर, ये हम इसमें डाल लेंगे, ठीक है। फिर ग्रेवी से हमने बनाई है, और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे जग में, ये वेस्ट ना हो हमारा, और ये डाल लेंगे। और अब इसे तेज फ्लेम पे पकाएंगे, पहले ज़रा तो मीडियम फ्लेम पे चिकन को ज़रा फ्राई किया, तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और नमक वगैरह चेक कर लेंगे यहाँ पे। अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह भुन जाए और हमारा ऑयल जो है वो हल्का सेपरेट होना शुरू हो जाए। चिकन हमारा देखें अच्छी तरह से भुन गया है, ठीक है, जो हमने मसाला इसमें डाला था प्याज और टमाटर वगैरह वो अच्छी तरह से भुन गया है, देखें ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, ठीक है। अब हम इसमें आँच अब बिल्कुल स्लो कर दें इस टाइम में, और इसमें ये जो क्रीम थी ये डाल देंगे। आप चाहें तो इसके क्रीम के साथ थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा करनी है, नहीं तो के लिए क्रीम डाल दें। बस 1 से 2 मिनट तक इसे हिलाएंगे। ये लें व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा बटर चिकन तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे हम फिर अभी डिश आउट करते हैं।
व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा बटर चिकन तैयार है। इसे मैंने प्लेट में निकाली है और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम और ये सेंटर में देखें थोड़ा सा बटर डाल दें, और जब ये मेल्ट हो रहा होगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी एक अच्छी और नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।